मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने राजस्थान को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। आपने देखा है कि जयपुर में कैसे लॉकर से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है, मालूम है ना आपको? आमतौर पर किसी को कहते हैं भाई एग्जाम कैसी गई, बोले मेहनत तो की थी, बाकी तो लक पर है। चुनाव में भी किसी कैंडिडेट को आप पूछोगे तो कहता है मेहनत तो अच्छी की है, लोगों का प्यार भी है, लेकिन आखिर लक पर है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी निंद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ, माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा दे करके लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के में से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के चार पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का कबूलनामा भी है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उनमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। यहां भी आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों में क्या हुआ ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहे, साधु संत विरोध करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस खुद खनन माफिया हो वो आपकी आवाज भला कैसे सुनती। कांग्रेस के इस माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास जी को हमें खोना पड़ा, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भरतपुर की, पूर्वी राजस्थान की जनता कांग्रेस के माफिया राज को उखाड़ फेंकेंगे।